सरायकेला एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। दो ट्रकों में लोड 2300 क्विंटल अनाज जब्त किया है। ये अनाज पीडीएस के तहत आवंटित है, जिसे जमशेदपुर से सरायकेला लाया जा रहा था, और इसके बाद एसडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड्रा थाना क्षेत्र से अनाज को जब्त किया है। एसडीओ ने बताया कि जांच के दौरान दोनों ही गाड़ियों में संबंधित कागजात नहीं पाए गए हैं। आशंका ये जताई जा रही है कि सरायकेला में कालाबाजारी के उद्देश्य से सरकारी खाद्यान्न को खपाने की योजना थी। डीओ साहब के द्वारा सूचना दी गई और सीओ साहब के द्वारा भी फोन किया गया, बीडीओ साहब के द्वारा भी फोन किया गया कि दो गाड़ी जिसमें चावल लोड है वो गमरिया पार कर रहा, उसको रोकिए, उसमें छानबीन करना है। उनके आदेश पे हम लोग गाड़ी को पकड़े, एक गाड़ी आगे बढ़ गई, उसको पीछा करके हम लोग सरायकेला में उसको रोके। और इस संबंध में जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, वो एसडीओ साहब लेंगे, बड़े साहब लोग। सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जा रही है कांड्रा की तरफ, तो हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा टोल गेट के पास, और जब CW सिकोडाउन से पता चला कि वो गाड़ी पुटका के लिए पुटका जाना था, बट वो कांड्रा के पास मिली, तो फिर हम लोग उसको कांड्रा थाना में अभी जब्त करके रखा। कांड्रा थाना प्रभारी, सरायकेला थाना प्रभारी, गमरिया BDO CEO और सरायकेला BDO CEO के नेतृत्व में जो है हमने टीम सेट किया था एक घंटा में। तो एक गाड़ी जो है टोल टैक्स के पास पकड़ाई है और एक गाड़ी जो है यहाँ दो मिनट। देखिए 2300 क्विंटल अनाज जब्त किया गया है, पीडीएस का है ये अनाज, और एसटीओ ने दोनों ट्रकों को पकड़ा, खबर मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और जब ट्रक ड्राइवर से पूछताछ हुई तो किसी भी तरह के कागजात नहीं मिले, कोई दस्तावेज नहीं मिला इन खाद्यान्न को लेकर। आशंका ये जाहिर की गई थी और चलिए हमारे साथ सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, देखिए खबर मिली थी प्रशासन को और उसके बाद टीम पहुंची मौके पर और दोनों ट्रकों को जब्त किया गया, लेकिन ट्रक ड्राइवरों के पास किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं, कोई कागजात नहीं। क्या अब कुछ बातचीत में सामने आ पाया है कि यह ट्रक किसका है और कहाँ ले जाया जाना था, कहाँ खपाया जाना था इन अनाजों को? देखिए आरती, आपको एक सीधे तौर में बात बता दूं कि ये मामला सिर्फ आज का नहीं है, ऐसे पहले भी कई बार हो चुका है, हमारे यहाँ खबर भी चली है। और ये अनाज सबसे बड़ी बात पोटका और हाता का था। पोटका जमशेदपुर क्षेत्र में अनाज जाने को था और जमशेदपुर जो अनाज जाने का था वो सरायकेला में पकड़ा गया और सरायकेला के SDO साहब ने इसको पकड़ा है। और अब आपको बता दें कि इस तरह की न जाने आए दिन कई खेपे तो एक जानकारी मिली तो पकड़ा गया, लेकिन जमशेदपुर के रास्ते ये सरायकेला और कांड्रा होकर जाने वाला रास्ता में आए दिन इस तरह के कारनामे होते रहते हैं अनाज गबन के। और FCI की अनाज इतने, मतलब कि आपको मैं बता दूं कि अधिक मात्रा में गबन होते हैं, जिसका आप अन्याय कह सकते हैं। उनकी भी तस्वीरें दिखाएं, हमारे दर्शक जरूर देखना चाहेंगे क्योंकि अब तक वहां पर वो ट्रकों को रखा गया। जी मैं दिखाता हूँ, देखिये एक ट्रक जो यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रके हैं, यहाँ देखिए इसमें अनाज है। और एक ट्रक और है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक में यत्र तत्र के नंबर है या फिर जो नाम है वो अलग मालिक के नाम से है। और सबसे बड़ी बात मैं आरती आपको बता दूं कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक में जो अनाज लदे हुए हैं, उस अनाज के जो झारखंड सरकार के जो मुहर लगे होते हैं, उस मुहर को उल्टा करके इसमें लदा गया है। कोई भी पदाधिकारी अगर इसको देखते हैं तो इसे पकड़ ना पाए। देखिए एक यहाँ पे इस ट्रक में एक बैनर लगा है, आप देख सकते हैं, जो अनाज का होता है जी, जिसका कोई कोड पूर्वी ओम पश्चिमी सिंहभूम और गाड़ी का नंबर J01AD 2702 है। और यहाँ देखिए
गाड़ी का नंबर क्या दिया गया है, JA05A03256। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं। और तो और इस गाड़ी की जो पैकिंग हुई है वो इस तरीके से हुई है कि ये समझना मुश्किल होगा कि ये सरकारी अनाज है या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति का अनाज है या किसी कंपनी में जा रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, एक बात और आपको मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अनाज की बोरियां हैं जी, आप यहाँ से देख सकते हैं। सहयोगी से मैं अपील करूंगा एक बार इसको दिखाएं, आरती आप इस चीज को देखिए एक बार, देखिए ये अनाज की बोरियां हैं जी, और ये अनाज की बोरियां में यहाँ पे सील रहता है, देखिए ये सील रहता है और सील को मतलब हटा दिया गया है, सारे बोरे में सील रहते हैं और सील को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। खैर यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, हम उनको उनके इस विवेक को जरूर दाद देंगे कि उनकी अकल खुली, उनको ये समझ में आया कि ये गरीबों का अनाज यत्र तत्र जा रहा है और गरीबों के हक का जो अनाज है उन्हें नहीं मिल पा रहा। लेकिन पूरा बंदोबस्त किया गया है गाड़ी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए, बाहर जो बैनर जिससे आइडेंटिफाई होता है, जो इस तरह से अगर ट्रकों में खाद्यान्न पहुंचाए जाते हैं तो एक बैनर होता है, बैनर में गाड़ी का नंबर कुछ और गाड़ी पे गाड़ी का नंबर कुछ और, मतलब पूरा इंतजाम किया गया, पूरी प्लानिंग की गई और उसके बाद इन गाड़ियों को रवाना किया गया। लेकिन ये आपने बहुत सही कहा कि जो अधिकारी हैं उनकी सराहना जरूर करनी होगी कि उन्हें जब इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने इन गाड़ियों को पकड़ा। देखिए एक अधिकारी जो जिले में बैठे होते हैं वो जिले में बैठ करके तमाम छोटे बड़े अधिकारियों पर निगरानी रखनी उतनी बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे में छोटे अधिकारी और जो अधिकारी यहाँ कुछ कॉन्ट्रेक्टर से मिले होते हैं, जो अनाज गोदाम के जो रखवाले होते हैं या फिर प्राइवेट तौर पर भी वहाँ कुछ लोगों को रखा जाता है, ऐसे लोगों की करतूत के चलते पूरा महकमा बदनाम होता है, ये तय है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये जो काला बाजारी का जो सिलसिला है ये सरायकेला और जमशेदपुर में बृहद रूप में चलते आ रहा है और चल रहा था पहले से भी। खैर आज यहाँ के अधिकारियों की आंख खुली है और शायद उन्हें आभास हो रहा है कि आखिर इतना अनाज हमारा जा कहाँ रहा है, जब गरीबों तक सारे अनाजों में कटौती करके दी जा रही है डीलरों के द्वारा, तो आखिर ये हमारा अनाज जा कहाँ रहा है। ये तो बहुत बड़ी प्रश्नचिन्ह थी यहाँ के अधिकारियों के मानसिकता के ऊपर कि आखिर हमारा ये सोच कहाँ जा रहा है कि इन गरीबों का अनाज हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जब पूर्ण रूप से सरकार के यहाँ से अनाज उठ रहा है, सरकार खरीदारी भी कर रही है अनाज की, लेकिन गरीबों के यहाँ तक अनाज सही रूप से नहीं पहुँच पा रहा। जी आरती देखिए सुनील, गरीबों के निवाले पे डाका की ये पहली तस्वीर तो होगी नहीं ये, और जिस रूट पर ये गाड़ी पकड़ी गई है वहां से हमने और भी कई बार खबरें दिखाई हैं, कई गाड़ियां जब्त की गई हैं। अब इतने देर से ये गाड़ी इन गाड़ियों को जब्त किया गया, इतने देर से पूछताछ हुई होगी, आपकी बात अगर हुई होगी वहां पर किसी अधिकारी से, तो क्या कुछ अब नाम सामने आ रहा है कि ये गाड़ी किसकी है, कहाँ ले जाया जाना था, कहाँ खपाया जाना था? देखिए आरती, अभी हमारी बात हो रही थी यहाँ के थाना प्रभारी राजन कुमार जी से। खैर यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं अपने आप में एक बहुत ही ईमानदार रूप में जाने जाते हैं यहाँ के कांडा थाना प्रभारी, और जो इस बार एसपी की पुलिसिंग है वो भी कही जाए तो इस एसपी के आने के बाद इस जिले में काफ़ी अच्छे अच्छे काम हुए हैं। देखिए बड़े से बड़े नक्सली सिलेंडर किए हैं और न जाने कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त की इस आनंद प्रकाश जो हमारे एसपी आए हैं। वाकई में सरायकेला की उन्नति तो हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं जहां तक पीडीएस की बात थी, पीडीएस अनाज की जहां तक बात थी, जो गरीबों के हक के अनाज जो आते थे सरकार के पैसों से, और वो अनाज गरीबों तक नहीं पहुंचना है। हम इंतजार इस बात का रहेगा कि जल्द से जल्द मामले का खुलासा हो कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये दो ट्रक जब्त किए गए जिनमें 2300 क्विंटल अनाज लदा है, और इस दोनों ट्रकों के पास ना तो कोई कागजात ना कोई डॉक्यूमेंट कि ये बताया जा सके कि ये गाड़ी किसकी है और ये अनाज कहाँ खपाया जाना था, ये खाद्यान्न ये गरीबों का निवाला कहाँ खपाया जाना था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।